नमस्कार दोस्तों आप सभी का लीनियर आई लेक्चर सीरीज में बहुत स्वागत है दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का डीसी एनालिसिस इन डिटेल स्टडी किया था इस वीडियो में हम एसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टडी करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर दिखाना चाहता हूँ इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दोस्तों आपके एसी सोर्सेस भी कनेक्टेड होते हैं और आपके डीसी सोर्सेस सोर्सेज भी कनेक्टेड होते हैं तो अगर आप एसी एनालिसिस स्टडी करोगे तो सर्किट्स में जितने भी डीसी सोर्सेस सोर्सेज हैं दोस्तों वो सभी डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे अगर आप डीसी वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करोगे तो दोस्तों वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किए जाते हैं या यहाँ कह सकते हो आपका ग्राउंड कनेक्ट हो सकता है तो दोस्तों उसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मैंने यहाँ पे एसी एनालिसिस सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें यहाँ पे आपके डीसी सोर्सेस सोर्सेज थे वो ग्राउंड हो चुके हैं सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे आपका माइनस वी ई वोल्टेज था जो कि ग्राउंड हो चुका है अब दोस्तों ये आपका जो ट्रांजिस्टर है क्यू वन और ये आपका ट्रांजिस्टर क्यू टू ठीक है Q1 ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे मैंने V1 वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है Q2 ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे V2 वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है ये दोस्तों आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस है आर सी एंड आर सी अब दोस्तों AC एनालिसिस आप किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्यों स्टडी कर, करते हो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्योंकि विद हेल्प ऑफ ए सी एनालिसिस हम दोस्तों किसी भी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी भी एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एज वेल एज उसका आउटपुट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो अब दोस्तों जो भी हमारे ट्रांजिस्टर यहाँ यूज होंगे उन ट्रांजिस्टर्स को हम अलग अलग मॉडल से रिप्लेस कर देते हैं एम्पलीफायर का एनालिसिस करने के लिए दोस्तों जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं उनको हम कई तरह के मॉडल से रिप्लेस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में दोस्तों मैंने आर ई मॉडल से रिप्लेस किया है आप यहाँ देखें दोस्तों ये आपका कलेक्टर है और ये आपका बेस है और ये आपका अमीटर है सिमिलरली दोस्तों इसमें भी तो दोस्तों जब भी आप ट्रांजिस्टर को आर ई मॉडल से रिप्लेस करेंगे तो आप कलेक्टर एंड पे अपना डिपेंडेंट करंट सोर्स दिखाएंगे दैट इज़ आई सी मैग्नीट्यूड और जो बेस टर्मिनल है दोस्तों ये उसका बेस टर्मिनल है और दोस्तों अमीटर टर्मिनल पे आप एक रजिस्टेंस शो करेंगे जिसको लिखेंगे स्मॉल आर ई डैश और जो स्मॉल आर ई डैश है दोस्तों उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वी टी डिवाइडेड बाई डी सी अमीटर करंट वी टी का मतलब दोस्तों थर्मल वोल्टेज और आई कैपिटल ई का मतलब डी सी एनालिसिस में जो अमीटर करंट हमने निकाला था वो वैल्यू और हमें यहाँ पता है दोस्तों कि जो हमारा कलेक्टर करंट होता है दैट इज बीटा टाइम्स इनटू बेस करंट तो दोस्तों यहाँ ये ट्रांजिस्टर हमने इससे रिप्लेस किया सिमिलरली दोस्तों Q2 ट्रांजिस्टर भी हमने स्मॉल आर ई मॉडल से रिप्लेस किया है अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक मैं केवीएल अप्लाई करना चाहता हूँ केवीएल अप्लाई होने से पहले अगर ये एसी एनालिसिस है दोस्तों तो बेस के अंदर जो करंट जाएगा उसको मैं मानता हूं आई स्मॉल बी वन से आर के जो दोस्तों, वो मेरा I e1, आपका अमीटर करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट ट्रांजिस्टर सिमिलरली दोस्तों जो आपका वी टू वोल्टेज सोर्स है इससे जो करंट निकलेगा वो आपका ट्रांजिस्टर के बेस रीजन में जाएगा और उस करंट को मैं आई स्मॉल बी टू से रिप्रेजेंट करूँगा और सेकेंड ट्रांजिस्टर का जो अमीटर से करंट निकलेगा उसको मैं कहूँगा दोस्तों आई स्मॉल ई टू अब दोस्तों ये आई स्मॉल ई वन आई स्मॉल ई टू दोनों दोस्तों आपके कैपिटल आर ई जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू ग्राउंड तक पहुँचेंगे और यहाँ जितना करंट होगा दोस्तों उसकी वैल्यू होगी दोनों करंट्स आपके ऐड हो जाएंगे आई ई वन एंड आई ई टू तो दोस्तों अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के वी एल अप्लाई करना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों यहां ये आपका V1 वोल्टेज सोर्स है इस पूरे सर्किट क्लोज्ड पाथ में इकलौता यही वोल्टेज सोर्स है जो एनर्जी को डिलीवर करेगा बाकी सभी आपके पैसिव एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करेंगे तो केवियल इक्वेशन में यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ वो इक्वेशन बनेगी आपकी V1 वन इज इक्वल टू पहला ड्रॉप आई बी वन इन टू आर एस आई बी वन इंटू आर एस प्लस इसके बाद दोस्तों आर ई e डैश के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आर ई डैश मल्टीप्लाई विद आई ई वन ये करंट तो ये होगा दोस्तों आर ई डैश मल्टीप्लाई विद आई ई वन प्लस प्लस दोस्तों इसके बाद ये आपका कैपिटल आर ई इसमें जितना भी ड्रॉप होगा दोनों करंट्स का सम मल्टीप्लाई विद दिस रेजिस्टेंस तो ये लिखूंगा दोस्तों मैं आई ई वन प्लस आई ई टू मल्टीप्लाई विद कैपिटल आर ई एंड दैट वुड बी इज इक्वल टू वी वन तो पहला ये है दोस्तों अब जो आई बी वन है आप आई बी वन को आई ई वन से रिप्लेस कर ले तो हमें पता है कि आई बी वन ऑलवेज इक्वल टू आई सी वन डिवाइडेड बाई बीटा लेकिन हमने जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टार्ट किया था तो कहा था कि जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं वो मैच्ड होने चाहिए और इसका बीटा बहुत लार्ज होना चाहिए तो दोस्तों अगर बीटा बहुत लार्ज है तो आई सी वन ऑलमोस्ट इक्वल टू आई ई वन होगा तो आप इस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अब इस इक्वेशन को यहां पुट करें V1 वन इज इक्वल टू आई ई वन डिवाइडेड बाई बीटा इन टू आर एस प्लस यहां से दोस्तों आपका आई वन एक साथ लिख लीजिए आई टू दूसरे साथ तो यहां बनेगा आर ई डैस प्लस कैपिटल आर ई मल्टीप्लाई विद आई ई वन प्लस आर कैपिटल ई मल्टीप्लाई विद आई ई टू राइट अब दोस्तों आर एस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बहुत कम होता है और बीटा बहुत ज़्यादा है तो हम ये जो फैक्टर है इसको ईजिली नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर ये नेगलेक्ट करूँगा तो मेरा जो वी वन इक्वेशन है वो डायरेक्ट यहाँ से बनेगा स्मॉल आर ई डैश प्लस कैपिटल आर ई मल्टीप्लाई विद आई ई वन प्लस कैपिटल आर ई इन टू आई ई टू तो पहला इक्वेशन दोस्तों मेरा ये बना अब सिमिलरली मैं सेकेंड वोल्टेज सोर्स के इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक के वी एल अप्लाई करना चाहता हूँ जब मैं के वी एल अप्लाई करूँगा तो इसका इक्वेशन बनेगा दोस्तों ये आपका क्या है सोर्स वोल्टेज और बाकी जितने भी सर्किट एलिमेंट्स इस क्लोज पाथ में होंगे वो सभी क्या करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप देंगे क्योंकि सभी आपके पैसिव एलिमेंट्स हैं रजिस्टिव एलिमेंट्स हैं तो ये बनेगा आपका वी टू इज इक्वल टू मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और यहां बनेगा दोस्तों वी टू इज इक्वल टू आई बी टू इन टू आर एस प्लस यहां कितना ड्रॉप होगा दोस्तों दिस करंट इन टू दिस रजिस्टेंस तो इसका मतलब ये होगा आर ई डैश मल्टीप्लाई विद आई ई टू प्लस यहां कितना ड्रॉप होगा दोस्तों आर ई मल्टीप्लाई विद आई ई वन प्लस आई ई टू यानी दोनों अमीटर से जो करंट निकलेगा वो आर ई के थ्रू ग्राउंड तक पहुंच जाएगा अब दोस्तों सिमिलरली यहां पे ये जो स्टेप है आई बी टू को आप ये लिख सकते हो आई ई टू डिवाइडेड बाई बीटा मल्टीप्लाई विद आर एस और ये जो फैक्टर है दोस्तों इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्यों क्योंकि आर एस ऑलरेडी बहुत कम है बीटा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो स्मॉल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज क्वांटिटी आपका नेग्लिजिबल होता है तो ये आपका वी टू है इसकी आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो और इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आई टू इज़ इक्वल टू दैट इज आर ई मल्टीप्लाई विद आई ई वन प्लस स्मॉल आर ई डैस प्लस कैपिटल आर ई मल्टीप्लाई विद आई ई टू ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है तो दोस्तों यहां पे हमने केवीएल अप्लाई किया और यहां पे केवीएल अप्लाई किया तो एक इक्वेशन हमें मिली ये वाली और जो दोस्तों दूसरी इक्वेशन है वो हमें मिली ये वाली तो यहां से दोस्तों दो इक्वेशंस हैं और हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं आई ई वन और आई ई टू तो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं राइट right? या आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो सेकेंड इक्वेशन से आप आई ए टू फाइंड आउट कर लें और उसको दोस्तों आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो आपको आई ई वन वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से मैं आई ई वन वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ वो वैल्यू बनेगी आपकी वी वन आर ई डैश प्लस कैपिटल आर ई माइनस आर ई डैस मल्टीप्लाई विद वी टू डिवाइडेड बाई आर ई डैश प्लस कैपिटल आर ई स्क्वेयर माइनस आर ई स्क्वेयर तो ये आपकी दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनी फर्स्ट ट्रांजिस्टर अमीटर करंट की अब दोस्तों जो आपका आई ई टू है उसकी वैल्यू भी आपको निकालनी है वो कैसे निकलेगी अब दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन से आप आई ई वन निकाल सकते हो वो जो आई ई वन आएगा आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से आप आई ई टू वैल्यू निकाल सकते हो तो यहां पे मैं डायरेक्टली वो वैल्यू लिख देता हूं वी टू इज इक्वल टू वी टू मल्टीप्लाई विद आर ई डैश प्लस आर ई माइनस कैपिटल आर ई मल्टीप्लाई विद वी वन डिवाइडेड बाई आर ई डैश आर ई डैस प्लस कैपिटल आर ई स्क्वेयर माइनस कैपिटल आर ई स्क्वेयर तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बनी दोस्तों अब क्या होगा आपको वोल्टेज चाहिए आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगी सिंस ये जो है आपका बैलेंस्ड आउटपुट है तो इसका मतलब इन दोनों कलेक्टर टर्मिनल्स के बीच में आपको वोल्टेज चाहिए इसको आप लिख सकते हो दिस वोल्टेज वी टू एंड वी वन तो ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा दैट वुड बी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अब वी टू वोल्टेज क्या होगा दोस्तों अमिट ये आपका जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो करंट इस टाइप का पोटेंशियल ड्रॉप देगा लेकिन यहाँ आपको वी टू चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों वो क्या होगा यहाँ से आपका आई सी टू करंट फ्लो करता है और यहाँ से आपका आई सी वन करंट फ्लो करता है तो जो वी टू है आपका यहां देख लीजिए वी वी टू दोस्तों वी वी ओ टू लिख लेते हैं यानी आउटपुट एट सेकेंड कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर और यहां पे वी ओ वन लिख देते हैं आउटपुट वोल्टेज एट फर्स्ट कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर तो वी ओ टू वी ओ टू की जो वैल्यू होगी वो बनेगी दोस्तों माइनस आई C2 टू मल्टीप्लाई विद आर और हमें पता है कि बीटा इस सर्किट्स में बहुत ज्यादा है तो अगर बीटा ज्यादा है तो आपका कलेक्टर करंट इक्वल टू अमीटर करंट होगा तो हम लिख सकते हैं माइनस आई ई टू मल्टीप्लाई विद आर राइट सिमिलरली जो आपका वी ओ वन है वो क्या बनेगा यहां से दोस्तों इस टाइप से आपका करंट फ्लो करेगा इस मॉडल सर्किट्स में भी आपने देखा कि यहां से आपका कलेक्टर करंट टुवर्ड्स दी कलेक्टर एंड है लेकिन दोस्तों जैसे ही ये करंट यहां एंट्री लेगा तो यहां पॉजिटिव पुलरिटी और यहां नेगेटिव लेकिन हमें इस टर्मिनल पे वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज क्या बनेगी ये जितना भी ड्रॉप है विद नेगेटिव साइन तो इसका मतलब वी जीरो वन जो बनेगा वो बनेगा आपका माइनस आई सी वन मल्टीप्लाई विद आर सी राइट अब आपका जो बीटा है वो बहुत बड़ा है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस आई ई वन मल्टीप्लाई विद आर सी राइट जब इन दोनों को दोस्तों इसमें पुट करोगे सॉरी आप यहाँ पे वी जीरो टू एंड वी जीरो वन लिखे वी जीरो टू यानी ये जो कलेक्टर है आपका सेकेंड ट्रांजिस्टर का यहाँ पे वोल्टेज वी जीरो वन जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पे वोल्टेज तो बैलेंस्ड आउटपुट है तो इसका मतलब इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस आपका फाइनल आउटपुट वोल्टेज होगा तो जो V0 जीरो है यहां पे उसको क्या लिखेंगे आप वैल्यूज पुट करने माइनस आई ई टू मल्टीप्लाई विद आर सी माइनस ये क्या बनेगा माइनस ऑफ आई ई वन मल्टीप्लाई विद आर सी जब इसको पूरा सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहां पे आपको मिलेगा आर सी कॉमन आई ई वन माइनस आई ई टू अब दोस्तों आई ई वन ऑलरेडी आ चुका है आई ई टू ऑलरेडी आ चुका है जब इन दोनों इक्वेशंस को यहां पुट करेंगे तो दोस्तों आपके पास वी नॉट बनेगा वी आउटपुट दैट इज आर सी वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर ई डैस अब v1 v2 क्या है दोस्तों इनपुट वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया था उनका डिफरेंस तो इसको जरा आगे बढ़ा लेते हैं ये दोस्तों v नॉट डिवाइडेड बाय v1 v2 ये आपका क्या बनेगा rc डिवाइडेड बाय re डैश राइट right. अब दोस्तों ये आपका क्या है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज तो ये आपका वोल्टेज गेन होगा rc डिवाइडेड बाय स्मॉल आर ई डैश और इस वोल्टेज गेन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज गेन क्यों क्योंकि जो गेन हमें मिला है वो किसके रिस्पेक्ट में है डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेज इन दोनों के डिफरेंस में हमें गेन मिला है तो दोस्तों एसी एनालिसिस में हमने सबसे पहले आपका वोल्टेज गेन फाइंड आउट किया है और उसकी वैल्यू हमें मिली आरसी डिवाइड बाय स्मॉल आर ई डैस अगर मैं ब्रीफली इसको रिपीट uh, करूं तो दोस्तों ये हमारा ए सी एनालिसिस का सर्किट्स था जहां पे हमने डी सी सोर्सेज को डीएक्टिवेट किया इसके बाद जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं उनको हमने आर ई मॉडल से रिप्लेस कर लिया इसके बाद दोस्तों इनपुट जो वोल्टेज था यहाँ पे हमने के वी एल अप्लाई किया जिससे हमें वी वन इक्वेसन मिली जो दोस्तों सेकंड सोर्स था वहाँ पे हमने के वी एल अप्लाई किया जिससे हमें वी टू का इक्वेशंस मिला इन दोनों इक्वेशंस में दोस्तों आई वन और आई टू आपके वेरिएबल्स थे अब दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स हैं तो हम उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं आप क्या करोगे दोस्तों सेकेंड इक्वेशन से पहले आई टू निकाल लें आई ई टू फिर उसको दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें आपका आई ई वन इन टर्म्स ऑफ वी वन और वी टू मिल जाएगा सिमिलरली दोस्तों आप आई ई टू भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ वी टू एंड वी वन अब दोस्तों बात यह है कि आउटपुट वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगा आपका आउटपुट वोल्टेज बैलेंस्ड आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए यानी इन दोनों कलेक्टर एंड्स के बीच का जो वोल्टेज है वो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा तो इसका मतलब ये है दोस्तों दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अब यहां इस कलेक्टर पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगा दोस्तों आपका जो ट्रांजिस्टर है ऑलरेडी एक्टिव रीजन में है तो जो अमीटर जो आपका कलेक्टर करंट है वो दी कलेक्टर होगा यानी करंट यहां से यहां फ्लो करेगा लेकिन इस पोटेंशियल पे आपको वोल्टेज चाहिए तो जैसे ही करंट इसके थ्रू एंट्री लेगा यहां पॉजिटिव पुलरिटी यहां नेगेटिव तो ये वैल्यू बनेगी दोस्तों माइनस ऑफ आईसी टू मल्टीप्लाई विद आर सी तो ये इक्वेशन बनेगी लेकिन बीटा दोस्तों इन ट्रांजिस्टर्स का बहुत लार्ज होता है तो कलेक्टर करंट और अमीटर करंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो वी जीरो टू यहां दोस्तों वी जीरो टू हमने उस वोल्टेज को कहा है जो आपके सेकेंड कलेक्टर पे अवेलेबल होगी सिमिलरली दोस्तों V01 वो वोल्टेज है जो आपकी फर्स्ट कलेक्टर पे अवेलेबल होगी उसकी भी वैल्यू आप क्या लिखोगे माइनस आई ई वन मल्टीप्लाई विद आर सी अब इसको दोस्तों आप इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा आर सी मल्टीप्लाई विद आई ई वन माइनस आई ई टू आई ई वन आई ई टू ऑलरेडी मिल चुका है जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन ये मिलेगी दोस्तों वी नॉट आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आर सी टाइम्स वी वन माइनस वी टू डिडेड बाई आर आर ई डैस अब ये दोस्तों इस आप इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए वीनो डिवाइड बाय वी वन माइनस वी टू दैट इज इक्वल टू आर सी डिवाइड बाई आर ई डैस ये होता है दोस्तों आपका डिफरेंशियल वोल्टेज गेन क्यों क्योंकि जो आपका रेफरेंस है वो क्या बना V1 वन माइनस वी यानी इनपुट वोल्टेज सोर्स पे जो हमने दो वोल्टेज अप्लाई किया था इन दोनों का डिफरेंस एम्पलीफायर ने लिया है और उसी को एम्पलीफाई किया है जिसकी वैल्यू है आर सी डिवाइडेड बाई आर स्मॉल आर ई डैश सो दिस इज ऑल अबाउट द ए सी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो